बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फातिमा और आप देख रहे हैं FM's बावर्ची खाना। दोस्तों, क्या आप सबको भी गाजर का हलवा पसंद है बनाना? लेकिन बनाते हुए आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गाजर कौन कद्दूकश करे। आज मैं आपके लिए ऐसी आसान रेसिपी लेके आई हूँ जिसकी मदद से हलवा 10 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा और आपको गाजर को कद्दूकश भी नहीं करना पड़ेगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ली हैं 2 किलो गाजर। गाजर को अच्छे से आपने धो लेना है, इसका ऊपर से छिलका जो है उसको रिमूव कर लेना है और फिर गाजर को आपने इस तरीके से मोटे मोटे पीसेस में छुरी की मदद से कट कर लेना है। अगर आप लोग इस रेसिपी को फॉलो करके गाजर का हलवा बनाएंगे ना, तो आप इसे बार बार बना के खाना पसंद करेंगे। प्लस इस रेसिपी के साथ गाजर का हलवा इतना मलाईदार बनता है कि हर कोई आपकी तारीफ करेगा। सो गाइस, गाजर को मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। अब इसे मैंने डाल दिया है 1 अदद प्रेशर कुकर के अंदर। सारी गाजरों को आपने डाल देना है। इसके बाद आपने कुकर में शामिल करना है दूध। यहाँ पे मैंने 2 किलो गाजर ली थी और साथ ही इसमें मैंने शामिल कर दिया है 0.5 लीटर दूध। दूध आपने डब्बे वाला यूज़ करना है, यानी कि फुल फैट मिल्क। 0.5 लीटर दूध डाल के आपने इसमें शामिल करनी है चीनी। मैंने यहाँ पर 1 कप जितनी चीनी ली है दानेदार। गाइज, जितनी भी मैं आपको यहाँ पे क्वांटिटी बताऊँगी चीज़ों की, आपने एज इट इज़ फॉलो करना है रेसिपी को। आपका हलवा शानदार बन के रेडी होगा। अब इसमें मैंने 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची तोड़ के डाल दी है। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा कुकिंग ऑयल का, यानी कि खाने का तेल। सारी चीज़ों को अच्छे से हल्के हाथ से एक दफ़ा आपने मिक्स कर लेना है और आपने कुकर को बंद कर देना है और सीटी रख देनी है इसके ऊपर, यानी कि वेट। अब आपने प्रेशर कुकर के अंदर गाजरों को तकरीबन 30 मिनट के लिए कुक होने देना है। 30 मिनट के अंदर अंदर गाजरें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं सीटी बोलना स्टार्ट हो चुकी है। 30 मिनट के बाद आपने अच्छे से इसकी स्टीम निकाल लेनी है कुकर में से और साइडों से जितना भी दूध लगा हुआ है इसको उतार लेना है। अब आपने किसी भी मैशर की मदद से गाजरों को अच्छे से मैश कर लेना है। गाइस, आप देख सकते हैं अच्छे से गाजरें मैश हो रही हैं, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। क्रिसमस भी है कल, तो मैंने सोचा कि इस मौके के ऊपर आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की जाए, क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियंस जो बहन भाई हैं हमारे, वो बहुत शौक से जो है ना क्रिसमस में स्वीट्स बनाते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, हेल्दी ऑप्शन है और जल्दी बन के रेडी हो जाता है। गाजरों को अच्छे से मैंने कद्दूकश कर लिया। अब आपने एक कढ़ाई लेनी है, इसमें 0.5 कप आपने कुकिंग ऑयल डालना है। 1 टेबलस्पून आपने बादाम, 1 टेबलस्पून आपने डालने हैं इसमें वॉलनट्स यानी कि अखरोट। अच्छे से 1 मिनट के लिए उनको भूने ऑयल में। फिर आपने ये कद्दूकश की हुई गाजरें शामिल कर देनी है ऑयल में। इसके बाद आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और फिर आपने इसमें शामिल कर देना है ड्राई मिल्क पाउडर 1 कप के करीब। मैंने यहाँ पे ड्राई मिल्क पाउडर इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो खोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बगैर खोए के हम ड्राई मिल्क पाउडर से इतना अच्छा टेस्ट इसके अंदर डेवलप करते हैं कि आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ड्राई मिल्क पाउडर डाल के मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आपने हलवे को 10 मिनट के लिए भून लेना है दरमियानी आँच के ऊपर। जब 10 मिनट हो जाएंगे हलवे की भुनाई करते हुए, तो आपने लास्ट में इसमें डालना है सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे मलाईदार आपका हलवा बनके रेडी होता है। यहाँ पे मैंने डाला है 2 टेबलस्पून मक्खन। बटर डालने से हलवे के अंदर बहुत ही अच्छा जायका निकल के आता है। अगर आपके पास घी है, आप घी में भी बना सकते हैं। देसी घी है तो सबसे बेस्ट है, लेकिन आप कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें आप मक्खन डालेंगे ना, तो टेस्ट लाजवाब हो जाएगा। मक्खन डाल के आपने इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है और मज़ेदार गाजर का हलवा आपका बन के रेडी हो चुका है। टोटल आपने ना इसको सिर्फ 10 मिनट पकाना है, जब गाजर अच्छे से गल जाएगी उसको मैश करने के बाद। तो आप देख सकते हैं मज़ेदार हलवा रेडी है। इसको मैं सर्व करती हूँ और आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। सो गाइज, आप देख सकते हैं हलवा बहुत अच्छे से मैंने इसको भून लिया था। जितनी अच्छे हलवे की आप भुनाई करेंगे, उतना ही जायकेदार हलवा बन के रेडी होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।